हाय, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्थ। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो इंडिया में लॉन्च हो गया है। 17,000 रुपये इसका प्राइस रखा गया है। इसमें जो मेन हाईलाइटिंग फीचर्स मिलता है, 8 GB का रैम मिलता है और 256 GB का स्टोरेज मिलता है। जहां तक मेरी याददाश्त तेज है कि अभी फिलहाल मार्केट में कोई भी फ़ोन अवेलेबल नहीं है जिसमें 256 GB का स्टोरेज मिलता हो। हाँ, पहले आता था ऑनर का 9X Pro और ओप्पो का कोई फ़ोन था, लेकिन अभी वे सारे फ़ोन फ्लिपकार्ट अवेलेबल नहीं है। और दोस्तों, नो डाउट इन्फिनिक्स का ये जो नोट 10 प्रो है, इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा फ़ोन है। लेकिन आप लोग इस फ़ोन को ख़रीदते हैं फ्लिपकार्ट से तो काफ़ी फीचर्स के साथ आप लोग को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो किस फीचर्स के साथ आप लोग को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, मैं सारा कुछ इसी वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिज़ाइन के बारे में बात कर लेता हूँ। ये जो फ़ोन आता है प्लास्टिक बैग के साथ आता है और डिज़ाइन भी ठीक ठाक मिल जाता है। लेकिन इसी प्राइस रेंज में रेडमी का नोट 10 प्रो भी फ़ोन आता है मार्केट में। ग्लास बैग मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ। और Realme 8 Pro भी आता है इस प्राइस रेंज में, लेकिन उसमें कोई भी ग्लास नहीं मिलता है। तो खैर, मैं डिज़ाइन वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं बात करने वाला हूँ। अब मैं डिस्प्ले के बारे में सीधा बात करता हूँ। तो इस फोन में 6.95 इंच का एक फुल HD+ वाला डिस्प्ले मिलता है और ये जो डिस्प्ले आता है 90 Hz के साथ आता है। लेकिन इसी प्राइस रेंज में दो फोन आता है, Realme 8 Pro, Redmi Note 10 Pro। उस फोन में मिलता है एमोलेड डिस्प्ले, तो आप लोग को इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। और नोट 10 प्रो आता है जो रेडमी का, उसमें 120 Hz का डिस्प्ले मिलता है। लेकिन रियलमी 8 प्रो में 60 का ही मिलता है। लेकिन रियलमी का 8 प्रो में और एक चीज़ बेनिफिट मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। तो ये बेनिफिट मिल जाता है, 1000 निट्स का ब्राइटनेस मिल जाता है रियलमी 8 प्रो में और 1200 निट्स का ब्राइटनेस मिल जाता है रेडमी का नोट 10 प्रो में। और दोनों ही फ़ोन में शायद HDR10 मिल जाता है और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है रेडमी का नोट 10 प्रो में। लेकिन दोस्तों, इन्फिनिक्स का नोट 10 प्रो में कोई भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। और मैं इसका ब्राइटनेस के बारे में बात करूँ तो लगभग इसमें मिलता है 400 निट्स की ब्राइटनेस या फिर 500 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। तो इसमें आप लोग को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ना ही एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, ना ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और ना ही गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है, ना ही HDR10 वगैरह का सपोर्ट मिलता है। तो दोस्तों, कुछ लोग बोलेंगे कि इस प्राइस रेंज में सारा फीचर्स नहीं मिल सकता है, जो कि आप लोग की बात बिल्कुल सही भी है। लेकिन दोस्तों, आप लोग को काफ़ी ज़्यादा फीचर्स डाउनग्रेड मिलता है इन्फिनिक्स का नोट 10 प्रो में। मैं आप लोग को फिर से बोलना चाहता हूँ कि इसमें मेन जो हाईलाइटिंग फीचर्स दिया गया है, 8 GB का रैम और 256 GB का स्टोरेज। खैर, अब मैं बात कर लेता हूँ सेल्फी की। तो इसमें 16 MP का, हाँ 16 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है डुअल फ्लैश के साथ, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसी प्राइस रेंज में लगभग रियलमी 8 प्रो और रेडमी का नोट 10 प्रो भी आता है, वे सारे फ़ोन में भी 16 का ही मिल जाता है, अगर मैं गलत ना हूँ। और वहीं मैं रियर कैमरा के बारे में बात करूँ तो इन्फिनिक्स का नोट 10 प्रो में क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है 64 MP के साथ। तो 64 MP का मेन कैमरा मिलता है, दूसरा 8 MP का एक वाइड एंगल कैमरा मिलता है और जो तीसरा और चौथा कैमरा मिलता है वही 2-2 MP का मैक्रो और डेप्थ सेंसर। लेकिन इस प्राइस रेंज में रियलमी का 8 प्रो आता है, उसमें 108 MP का कैमरा मिलता है। तो अगर आप लोग को कैमरा के लिए फ़ोन चाहिए तो इस प्राइस रेंज में आप लोग को रियलमी 8 प्रो के साथ जाना चाहिए। वहीं मैं रेडमी नोट 10 प्रो के बारे में बात करूं तो इसमें भी 64 MP के साथ क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है, लेकिन इसमें 5 MP का जो मैक्रो कैमरा होता है वह मिल जाता है। तो मैंने आप लोग का डाउट क्लियर कर दिया है कैमरा के मामले में। वहीं मैं प्रोसेसर के बारे में बात करूं तो MediaTek का G95 प्रोसेसर मिलता है इन्फिनिक्स का हॉट 10 प्रो में और 720G प्रोसेसर मिलता है रियलमी का 8 प्रो में और 732G प्रोसेसर मिलता है रेडमी का नोट 10 प्रो में। तो मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा कि तीनों बेटर प्रोसेसर है, लगभग लगभग सेम ही प्रोसेसर है, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। आप लोग जाके गेमिंग टेस्ट वगैरह देख सकते हैं किसी भी यूट्यूब चैनल पे, ज़्यादा कुछ आप लोग को फ़र्क नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं प्रोसेसर के बारे में ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं बोलने वाला हूँ। अब मैं बैटरी के बारे में बात करूँ तो 5000 mAh का बैटरी मिलता है 33 W फास्ट चार्जिंग के साथ कि इस फ़ोन में इन्फिनिक्स का नोट 10 प्रो में, जो कि ठीक भी है, कोई दिक्कत नहीं है।
है। और Redmi का Note 10 Pro में भी 5000 mAh का बैटरी मिलता है इस प्राइस रेंज में, और 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन Realme 8 Pro में 4500 mAh का बैटरी मिलता है, लेकिन इसमें 50 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तो आप लोग Realme 8 Pro के साथ जा सकते हैं। और इस फ़ोन में क्या अच्छा मिलता है, देखिए इस फ़ोन में भी डुअल स्पीकर मिलता है, जो कि शायद Redmi का Note 10 Pro में मिल जाता है लेकिन Realme का 8 Pro में नहीं मिलता है। तो डुअल स्पीकर का आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस फ़ोन में ट्रिपल स्लॉट वगैरह का सपोर्ट मिल जाता है, हेडफोन जैक मिल जाता है, और क्या मिलता है, और ये जो फ़ोन आता है एंड्रॉयड 11 के साथ आता है। लेकिन ये जो फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा भारी है, इसका जो वेट है 200 ग्राम से भी ज़्यादा है, लेकिन Realme 8 Pro काफ़ी हल्का है इस मामले में, मात्र इसका वेट है 177 ग्राम और 193 ग्राम है Redmi का Note 10 Pro। तो दोस्तों आप लोग को एक लाइट वेट फ़ोन चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं Realme का 8 Pro, उसके बाद आता है 193 ग्राम के साथ Redmi का Note 10 Pro, उसके बाद आता है Infinix का Note 10 Pro। तो काफ़ी ज़्यादा ये फ़ोन भारी है, तो आप लोग देखिए इस फ़ोन को भी ले सकते हैं, मतलब कि परचेज़ कर सकते हैं Infinix का Note 10 Pro, जो कि इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आता है। लेकिन दोस्तों मैंने आप लोग को बताया इस वीडियो में आप लोग को किस फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अगर आपको 256 GB का स्टोरेज चाहिए और 8 GB का रैम चाहिए तो आप लोग को बहुत सारे फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। लेकिन आप लोग को 256 GB का स्टोरेज चाहिए तो आप लोग को मैं बोलूँगा Infinix का Note 10 Pro के साथ जाने। वैसे इस फ़ोन में कोई भी ख़राबी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन दोस्तों इस प्राइस रेंज में दूसरा फ़ोन भी आता है मार्केट में, Realme का 8 Pro जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, या फिर Redmi का Note 10 Pro। तो इन सारे फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, AMOLED डिस्प्ले मिलता है, हायर रिफ्रेश रेट मिलता है। तो दोस्तों और बहुत सारा कुछ फीचर्स था मैंने आप लोग को बताया, तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आज का वीडियो में बस इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।